गाइस कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। चलिए इसी क्रम में आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एल्डिहाइड का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है एस्टरडिहाइड। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड को कैसे बनाना था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी। तो उसी के क्रम में आज उस एल्डिहाइड का जो दूसरा सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो गाइस आते हैं अपने टॉपिक्स पे कि फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एस्टरडिहाइड, एस्टरडिहाइड का जो फार्मूला होता है वो CH3CHO होता है, ठीक है। इस एस्टरडिहाइड में जो कार्बन होते हैं, यदि हम इसकी IUPAC की बात करें, यहाँ पे दो कार्बन है, एक और एक दो। इसी CHO समूह के कार्बन को भी गिनती में ले लेते हैं तो एक दो कार्बन है, दो कार्बन एल्केन क्या होता है, दो कार्बन एल्केन होता है एथेन, और ये एल्डिहाइड है तो इसके एल्केन में से ही हटाना है और क्या जोड़ देना है, AL। तो इस तरह से इसका जो नाम हो जाएगा IUPAC, इसका IUPAC जो नाम बनेगा वो एथेन। ओके, तो यही हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस एस्टरडिहाइड को कैसे बनाएंगे, ठीक है। एस्टरडिहाइड बनाने की विधि, CH3CHO को बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, किसके उपस्थिति में, अम्ली सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, ठीक है। यानी CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, NaK2Br2O7+ क्या H2SO4 के प्रेजेंस में अगर एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, CH3CHO+ क्या H2 में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो एस्टरडिहाइड बनाने की जो विधि है ये प्रयोगशाला विधि है, यानी प्रयोगशाला में हम एस्टरडिहाइड को इसी प्रकार से बनाते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब क्या बनता है, एस्टरडिहाइड बनता है। वास्तव में ये रिएक्शन कैसे कम्प्लीट होती है तो आज हम देखते हैं कैसे करेंगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट बना लेगा K2SO4 और Cr2SO4 का होल थ्राइस डाइक्रोमिक सल्फेट बनाएगा और प्लस वाटर बना लेगा और प्लस क्या ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाता है। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे कितने हैं सल्फेट 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है 4 लिख दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 × 8, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन चार्ज आपका 16 4 × 20 = 23, इस साइड कितना है 4 × 12 = 16 और यहाँ पे क्या लिखती है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस होता है, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे दूसरे स्टेप में जो हमारा एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH, इसको हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये किसमें चल जाएगा, एस्टरडिहाइड में, यानी CH3CHO+ क्या वाटर। आप देखते हैं कि इस रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, हम इस पूरे समीकरण में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 एथिल एल्कोहल, 3 ऑक्सीजन, 3 CH3CHO और 3 वाटर। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपको एक रिएक्शन ऑक्टेट होगी, वो क्या होगा, वो होगा CH3CH2OH+ K2Cr2O7+4H2SO4 4H2SO4 एवं
वर्ष में क्या मिला आपको? एस्टरडीहाइड CH3 CHO और फिर क्या K2SO4 और फिर क्या मिला है, सॉरी यहाँ पे K से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो पे क्या होगा 3 और फिर यहाँ पे एस्टरडीहाइड यहाँ पे K से मल्टीप्लाई किया गया है फिर K2SO4 और प्लस क्या CR2SO4 का होल थ्राइस प्लस से मल्टीप्लाई यहाँ पे है 3 वाटर 4 वाटर कितना 7S2O। तो इस प्रकार से गाइस हम ये क्या बना लेते हैं, प्रयोगशाला में हम एस्टरडीहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये जो मेथड बताया गया है ये प्रयोगशाला में बनाने के विधि का वर्णन है और प्रयोगशाला में हम इसी प्रकार से एस्टरडीहाइड को बना लेते हैं, ठीक है। और भी जो बनाने के तरीके हैं एस्टरडीहाइड को वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्योर जो एस्टरडीहाइड प्राप्त हो रहा है वो कितना होगा, वो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट का एस्टरडीहाइड बनता है। वहीं पे जो हम फॉर्मल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो फॉर्मल्डिहाइड यानी क्या HCHO इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट प्राप्त हुई थी वो -21 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन एस्टरडीहाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 21 डिग्री सेल्सियस की बॉइलिंग पॉइंट का हमको एस्टरडीहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये तो पहला रिएक्शन था, ठीक है। और भी जो अन्य मिनरल प्रिपरेशन है एस्टरडीहाइड के उसको हम कैसे बनाएंगे, अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, किसका डिहाइड्रोजनेशन करवा देते हैं इस एथिल अल्कोहल का, ठीक है ना, यानी डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा किसका, तो एथिल अल्कोहल का यानी C2H5OH, तो इसे हम कॉपर के प्रेजेंस में इसको गर्म कर देते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखो दो टाइप से रिएक्शन है, या तो सिल्वर के प्रेजेंस में करा सकते हैं या तो क्या कॉपर के प्रेजेंस में करा दें, तो इस C2H5OH से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जब H2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा CH3CHO और प्लस क्या H2। यहाँ पे देखो गाइस क्या हो रहा है कि इस एथिल अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकलना है, जब हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन, क्या कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वह प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं, जब वाटर ऐड होता है उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जब वाटर बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्या डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये कुछ टर्म केमिस्ट्री के, तो ये क्लियर हो गया कि यदि हम एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवा दें तो भी कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो क्या बना लेगा, एस्टरडीहाइड का फॉर्मेशन ये कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। चलिए और भी हमारे पास तरीका है, और भी तरीकों से और भी रिएक्शंस के माध्यम से हम एस्टरडीहाइड को बना सकते हैं, ठीक है। और क्या हमारे पास रिएक्शंस हैं, कैसे हम बना सकते हैं, सपोज दैट कि अगर हमारे पास क्या हो कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COOH का होल ट्वाइस इस कैल्शियम एसीटेट को हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में SCOO का होल ट्वाइस CA को हम एक साथ गर्म करें, तो गर्म करने के पश्चात ये और ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, एस्टरडीहाइड बना लेगा। अब देखिए कैसे एस्टरडीहाइड बनता है, इसको हम ऐसे लिखें CH3COO ये सिंगल बॉन्ड CA ये क्या CH3COO। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या HCOO और ये कैल्शियम और ये क्या HCOO, यहाँ से देखो एक कैल्शियम का कार्बोनेट निकाल दिया यानी CaCO3, ये यहाँ से इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल यानी यहाँ से CO और ये क्या O, ये आप निकाल दिया क्या यानी कितना हो गया CaCO3 तो दो मॉलिक्यूल क्या होगा CaCO3 दो मॉलिक्यूल हो गए। और देखें आप यहाँ पे CH3CH3CHO एक हो गया ध्यान देना
CH3CHO, फिर यहाँ पे CH3CH3CHO, इन दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे CH3CHO के, ठीक है, CH3CHO, यानी कि दो मॉलिक्यूल CH3CHO के और प्लस के दो मॉलिक्यूल कैंसर के कार्बन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरीके से भी एस्टेट रिएक्ट को बना लेते हैं। और देखिए हमारे पास और रिएक्शन है, अगर हम क्या करें, एस्टिक एसिड हमारे पास है, यानी CH3COOH और प्लस क्या HCOOH, एस्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को एक साथ अभिक्रिया करवा दें तो क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, एक जो सी डबल दोनों में से आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यानी CO2 के ऑपरेशन का एक वाटर के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम एस्टिक एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ तो भी क्या बनाएगा, तो भी ये एस्टर डिहाइड का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। ओके, इसको देखिए कितने ऑक्सीजन हैं, दो दो चार, या फिर एक दो तीन एक चार ऑक्सीजन हैं, या कार्बन कितने हैं, तीन चार, चार दो छः, तीन एक चार दो क्या छः, ये भी बराबर है, एक दो तीन, यहाँ पे क्या है तीन कार्बन है, और यहाँ पे क्या है एक दो तीन, यहाँ पे तीन कार्बन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बना लेते हैं, एस्टर डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, चलिए एक तो ये तरीका हो गया, और हमारे पास रिएक्शन से और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एथिल ग्लाइकोल, चलो C2 अगर रिएक्शन C2H5OH की अभिक्रिया हम करवा लेते हैं NaOH और क्या क्लोरीन के साथ, ठीक है। जब हम एथिल ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH और क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो इस स्टेप में भी पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, एस्टर डिहाइड यानी कि CH3CHO और प्लस क्या NaCl और प्लस क्या वाटर। तो इस प्रोसेस के दौरान भी हम क्या बना ले जाते हैं, एस्टर डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, हमने यहाँ पे दो लिख दिया, ऐसा करने पे दो सोडियम होगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे दो लिख दिया, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, दो एक तीन, यहाँ एक एक दो है, तो आपने यहाँ पे दो लिख दिया, तो ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दो ना चार, एक पाँच और तीन क्या आठ, यहाँ पे पाँच, एक छः और एक क्या दो आठ। तो स्टूडेंट्स तो इस प्रकार से हम ये हमारे जितने भी रिएक्शन से इन सारे के सारे रिएक्शन हमको बताते हैं कि हम किस प्रकार से एस्टर डिहाइड को फॉर्म कर सकते हैं। और ये सारे रिएक्शंस किस लिए, एक तरह से जब हमारे एग्जामिनेशन से पूछता है कि क्या होता है जब या कैसे बनाएंगे, अगर ये सारे रिएक्शंस हमको ध्यान में रहेंगे, हमको पता रहेगा, तो हम वो जो कन्वर्जन वाले जो रिएक्शंस आते हैं उसको हम बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। रिएक्शंस को आप जितनी बार लगाएंगे, जैसे भी लगाएंगे, वो रिएक्शंस आपके उतने ही बेहतर तरीके से आपके तैयार होते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसेस है, चलिए तो ये हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम आपको। अगर हम ऑप्शन करवा दें, एक रिएक्शन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन क्या है हमारा, कि हमारे पास एक डेरिवेटिव है, किसका, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, जिसका नाम है एस्टिल कोलाइड, यानी CH3COCl। ये एस्टिल कोलाइड है, और इस एस्टिल कोलाइड को रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन कहलाएगा, और हाइड्रोजन निकलता है तो डिहाइड्रोजनेशन कहलाएगा, ठीक है। वाटर निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन कहलाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। तो यहाँ पे एस्टर कोलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो किसने, पैलेडियम कैटलिस्ट और बेरियम सल्फेट पर आधारित, और इसको एस्टर कोलाइड में हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं हम बॉयल जाइलिन में, यानी उबलते हुए जाइलिन में, ठीक है। पैलेडियम उत्प्र और बेरियम सल्फेट पर आधारित, ठीक है, और इसमें एस्टर कोलाइड का ऑप्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या बना लेगा, ये CH3CHO और प्लस क्या HCl। तो इस देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी हम क्या कर लेते हैं, एस्टर डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो प्रयोगशाला में जो बनाया गया था, यानी लैब में जो बनाया गया था, उसका रिएक्शन क्या था? एथिल एल्कोहल को ऑक्सीडेशन के थ्रू हम बनाए थे, और किसके प्रजेंस में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्लोरेट के प्रजेंस में हम जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? एस्टर डिहाइड में। तो इस प्रकार से जो सामान्य विधियाँ हैं एस्टर डिहाइड की वो है, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करते हैं कि इस एस्टर डिहाइड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, एस्टर डिहाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, CH3CHO की क्या भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या आता है कि भौतिक गुण? ठीक है, तो भौतिक में आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये एस्टर डिहाइड रंगहीन होता है और वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, रंगहीन वह क्या वाष्पशील द्रव होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? जल में, एल्कोहल में, ईथर में विलय होंगे, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट जस्ट मैंने बताया कि 21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फॉर्मल डिहाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी होगी? वो -21 डिग्री सेल्सियस की होती है। लेकिन फॉर्मल एस्टर डिहाइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है, CH3CHO की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा? 21 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये कलरलेस होंगे यानी रंगहीन होंगे, वाष्पशील द्रव होगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस की होगी, वाटर एल्कोहल ईथर में ये सब क्या होंगे? शाल होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम उनसे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया, हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि एस्टर डिहाइड किन के साथ रिएक्शन करके कौन कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका CH3CHO की केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कह दें कि इस एस्टर डिहाइड का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा दें। ठीक है, तो एस्टर डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया। तो जब ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनना है, तो थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी इसका रिएक्शन कराने में। ये CH3 ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, किसके साथ? अमोनिया के साथ, यानी H+N+2 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये बनाएगा ये CH3। ठीक है, ये कार्बन, ये इसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगा, हो जाएगा ये OH, और ये क्या होगा EH, और ये क्या होगा NH2। ठीक, क्या हो जाएगा एस्टर डिहाइड। ठीक है, ये बना लिया हमारे साथ रिएक्शन करने के बाद में, तो ये हाइड्रिन बनाएगा, एस्टर डिहाइड हाइड्रिन बना लेगा, CH3 कार्बन, ये NH2, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ये OH, ये तो क्या ये NH2 ग्रुप। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। अगर ये एस्टर डिहाइड रिएक्ट करता है किसके साथ? PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ? PCl5 के साथ अभिक्रिया। इसके पहले जो बना था एस्टर डिहाइड अमोनिया बना था, जो अभी कंपाउंड उसके पहले बना था, वो कंपाउंड का नाम क्या है? एस्टर डिहाइड अमोनिया बना लिया। अब जब ये यही एस्टर डिहाइड जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो ध्यान देना, ये CH3CHO रिएक्ट करेंगे PCl5 के साथ। एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हुआ आया हूँ, जब भी PCl5 अभिक्रिया करता है तो एक प्रोडक्ट जरूर बनाता है जिसका नाम होता है POCl3, यानी कि फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और बनाया क्या? एथिडीन डाइक्लोराइड, यानी कि जैम डाइक्लोराइड, मैंने बताया आपको CH3CHCl2 और क्या POCl3। यहाँ पे दो हैलोजन एलिमेंट एक ही कार्बन के साथ अटैच है, अगर ये कंडीशंस होता है तो उसे हम एल्किडीन डाइक्लोराइड या उसे हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइक्लोराइड या जेम डाइक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, सेम कार्बन के साथ अटैच होने के कारण इसे हम जेमिनल डाइक्लोराइड या जेम डाइहैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास एस्टर डिहाइड है, इस एस्टर डिहाइड को हम ऑक्सीडेशन करवा दें।
तो हमेशा ये ध्यान देना कि एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा वो किस में होता है, वो हमेशा एसिड में होता है। तो इसका अगला जो रिएक्शन होगा वो CH3 केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, CH3CHO का हम ऑक्सीडेशन करवा दें, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 K2Cr2O7 और प्लस क्या H2SO4। तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड जो ऑक्सीडेशन हमेशा एसिड में, यहाँ पे दो कार्बन इसलिए एसिटिक एसिड बना लेगा, CH3COOH। तो हमेशा ये ध्यान रखना स्पिरिट्स एल्कोहल एंड मोनोहाइड्रेट एल्कोहल का जो भी ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड में होगा, और एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस में होगा, एसिटिक एसिड में हो जाता है। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आपको एक एल्कोहल का रिएक्शन बताया था कि हमें फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल और थर्ड डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन गिरनॉड एजेंट के साथ करवा देते थे तो इस प्रकार से फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बनता था। अगर इसी एस्टरडिहाइड का रिएक्शन हम गिरनॉड एजेंट यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराते थे तो वहाँ पे क्या बनता था, सेकंड डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक एस्टरडिहाइड का है, अगर हम इस एस्टरडिहाइड का रिएक्शन यानी CH3CHO की अभिक्रिया RMGX या कह सकते हैं मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसका अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा ये इस स्ट्रक्चर को, चलो हम ऐसे कर दें आपको आसानी हो जाएगी समझने में, CH3COOH और ये क्या है इस प्रकार से समझें CH3CHO को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा CH3C, ये O MgBr हो जाएगा, O MgBr एक साइड में क्या, ये CH3 एक पक्ष में क्या हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से एक माध्यमिक यौगिक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी जो बना हुआ माध्यमिक यौगिक है यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होगा, तो इसका ये H और MgBr मिलके क्या बना लेगा, ये माइनस MgOHBr बन जाएंगे, और से इसका ये जो OH है वो OH यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगा, ये क्या होगा CH3 ये OH और ये क्या OH। इस प्रकार से ये जो कंपाउंड बना ये सेकेंडरी एल्कोहल, क्या बना, ये सेकेंडरी एल्कोहल, इट मीन्स ये सेकंड डिग्री एल्कोहल भी कहलाता है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कार्बन कैसा है, ये सेकंड डिग्री का कार्बन है, और सेकंड डिग्री के कार्बन से जब OH समूह उपस्थित होता है, जुड़ा होता है, उस समय उस एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, सेकंड डिग्री एल्कोहल कहेंगे या सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से उसको हम बुलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकंड डिग्री एल्कोहल, सेकंड डिग्री एल्कोहल का हम कैसे निर्माण करेंगे। तो सीधे कोई दिक्कत नहीं है कि आप एस्टरडिहाइड का रिएक्शन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा दें, तो जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराने के उपरांत हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड डिग्री एल्कोहल इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स, अभी और भी केमिकल प्रॉपर्टी है इसके, ये हम इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले रिएक्शन पर। चलिए अगर हम बात करते हैं बहुलीकरण का, बहुलीकरण क्या है, बहुलीकरण मीन्स इसके होते हैं इंग्लिश पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन होता क्या है, बहुलीकरण यानी बहुलीकरण एक प्रोसेस होता है जिसमें कई सेल और परस्पर आपस में संयुक्त होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाएगा, और उसका एक पार्ट जिससे पॉलीमर बना है उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। यानी मोनोमर क्या होता है, एक यूनिट होती है किसकी, पॉलीमर की। तो कुछ यहाँ पे बहुलीकरण में भी हम देखेंगे, जिस प्रकार से हमने देखा था फॉर्मल्डिहाइड का भी पॉलीमराइजेशन हुआ था, वहाँ भी पैरा फॉर्मल्डिहाइड मेटा फॉर्मल्डिहाइड फार्मोस बना था, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे एस्टरडिहाइड का भी बहुलीकरण होगा। तो यहाँ पे CH3CHO ये बता रहा है कि इसके तीन मॉलिक्यूल
परस्पर संयुक्त हो जाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर। इस पे नॉर्मल बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर पर एस्टरडियाड के तीन अणु परस्पर संयुक्त होकर के क्या बनाएंगे, CH3CHO का होल ट्राइसिन बनाएगा जिसका नाम होगा पैरा एस्टरडिहाइड। क्या नाम होगा इसका, पैरा एस्टरडिहाइड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर कैसे है, नॉर्मल टेम्परेचर पर एस्टरडिहाइड के तीन अणु परस्पर संयुक्त होकर के पैरा एस्टरडिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी CH3CHO का होल थ्री ये होता है पैरा एस्टरडिहाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब अगर बात करें कि पैरा एस्टरडिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है CH3CHO का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हम बेंजीन बनाते हैं बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, उसी प्रकार से आप थोड़ा सा कैरी करा लेंगे स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ, तो कार्बन ये ऑक्सीजन, ये कार्बन ये क्या ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन ये क्या ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन, इस प्रकार से एक अल्टरनेट पोजिशन में कार्बन ऑक्सीजन अल्टरनेट पोजिशन जा रहा है, और इसी के साथ में इस कार्बन के साथ में क्या कर लेंगे CH3CH, इसके साथ में क्या CH3H, इसके साथ क्या, इसके साथ में क्या CH3H। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल कितने ऑक्सीजन है, पैरास्टर डेयर में 3 ऑक्सीजन, 1, 2, 3 ऑक्सीजन है, कितने CH3 हैं, 3 CH3, 1, 2, 3 CH3, कितने यहाँ पे क्या नाम है कि यहाँ पे 3 CH3 और कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, 1, 2, 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका बना, ये स्ट्रक्चर जो बना है ये पैरास्टर डेयर का स्ट्रक्चर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एस्टरडिहाइड के तीन और परस्पर आपस में संयुक्त होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम क्या है, पैरा एस्टरडिहाइड। क्या नाम है इसका, पैरा एस्टरडिहाइड। मैं लिख देता हूँ पैरा एस्टरडिहाइड, और ये पैरास्टरडिहाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो ये भी नोट कर लें, ये भी ये पॉलीमराइजेशन के प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, मिटाते रहेंगे आप लोग। ये तो पैरास्टरडिहाइड की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास मॉलिक्यूल है, फोर मॉलिक्यूल CH3CHO के फोर मॉलिक्यूल है, और ये किस टेम्परेचर पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एस्टरडिहाइड के चार मॉलिक्यूल परस्पर आपस में संयुक्त हो जाए, और संयुक्त होने के बाद में क्या बनेगा, CH3CHO का होल फोर, इसका जो नाम होगा ये नाम है मेटा एसिटल डिहाइड। क्या बना लेगा, मेटा एस्टरडिहाइड ये बना लेगा। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एस्टरडिहाइड के चार मॉलिक्यूल परस्पर संयुक्त हो जाएं तो क्या बनाएगा, मेटा एस्टरडिहाइड बनाएगा। तो इस मेटा एस्टरडिहाइड का भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कि कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का कैसे होगा, कार्बन 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 कार्बन, और सिर्फ कितने आते हैं 4 से, तो सभी कार्बन के बीच में एक एक ऑक्सीजन आप कैसे प्रोडक्ट कर लें, ठीक है, और सबको ऑक्सीजन वन से ऐड करें, ये हो गया करें 4 कार्बन 4 ऑक्सीजन 4 कार्बन 4 ऑक्सीजन से क्लियर। अब बचता है क्या, 4 CH3 और 4 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन, ये क्या CH3, ये CH3, ये क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को ये क्या CH3, ये हाइड्रोजन को ये क्या CH3। तो किस प्रकार से स्टूडेंट ये किसकी संरचना बन गई, ये मेटा एस्टरडिहाइड की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो नो डाउट कि यहाँ पे पैरा एस्टरडिहाइड और मेटा एस्टरडिहाइड, पैरा बनाने के लिए रूम टेम्परेचर की आवश्यकता है, वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल होगा एस्टरडिहाइड का, और मेटा एस्टरडिहाइड बनाने के लिए एस्टरडिहाइड के 4 अणु संयुक्त होकर के मेटा एस्टरडिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लिया जाए कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो इनके साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे हम आपसे एमिन की बात कर लें, हाइड्रोजन की बात कर लें, या फिर हाइड्रोजन की बात कर लें, तो अगर ये सब इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट इमेज बनाएंगे। जैसे क्या है हमारे पास, पहले
हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH और फिर क्या हाइड्रोजन NH2 और क्या NH2 या फिर हाइड्रोजन C6H5 NaNH2 ठीक है। ये तीनों भी एस्टरडिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देते हैं, आइए देखते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे रिएक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। तो जो CH3CH2 है इनके साथ रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करें, तो पहले अपने CH3CH3CH डबल बॉन्ड को ऐसे कर दें आप ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन साथ हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखें और फिर ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे H2NOH यानी NH2OH ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे तो इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन से मिलकर क्या माइनस वाटर बाहर निकल जाएगा और ये क्या बचेगा, ये बचेगा CH3CH डबल बॉन्ड क्या NOH, ये ऑक्सीजन बनाएगा, इसका नाम क्या होगा एस्टरडिहाइड ऑक्सीजन, क्या बनाएगा एस्टरडिहाइड ऑक्सीजन। जब भी एस्टरडिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा एस्टरडिहाइड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेगा, क्लियर हो गया। चलिए अगले रिएक्शन की बात करते हैं कि यही जो हमारा CH3CH2 है CH3CH डबल बॉन्ड O है, इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा दें, क्या है NH2 इसको ऐसे लिखें H2N H2 ऐसा लिखें, थोड़ी सी रिएक्शन हमें आसानी के साथ समझ में आने लगती हैं। तो क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है, इस रूप में वाटर टूटने बाहर हो जाएंगे और जो शेष बचेगा वो क्या है वो CH3CH3CH इसके बीच में डबल बॉन्ड के साथ N और क्या NH2 इसका जो नाम होगा एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन, क्या नाम होगा एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन। ओके स्टूडेंट, तो एस्टरडिहाइड्रोजोन बनाने के लिए एस्टरडिहाइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा लेते हैं तो एस्टरडिहाइड हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। चलिए और देखा जाए कि जो रिएक्शन है तो ये एस्टरडिहाइड यानी CH3CHO CH3CH2O ये अभिक्रिया करें अगर फेनिल हाइड्रोजन के साथ ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए हम इसको यहाँ पे H2N और क्या NH और क्या C6H5 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हम इस फेनिल हाइड्रोजन को ऐसे ही लिख लिए, बात समझ रहे हो, क्योंकि हमें निकालना क्या यहाँ पे यहाँ से वाटर निकालना है, वाटर निकालने के लिए हम थोड़ा सा इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के सामने रखेंगे ताकि हमें यहाँ से वाटर निकालने में आसानी हो जाए, हम कंपाउंड को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ताकि रिएक्शन भी समझ में आ जाए और यहाँ से जो निकलने वाला मॉलिक्यूल वो भी आसानी से निकल जाए। तो देखते हैं वाटर निकल गया यानी कि माइनस वाटर कर देते हैं आपके यहाँ पर जो शेष बचा वो क्या है वो है CH3CH ओके, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड एन और फिर क्या NH C6H5 ठीक है। ये क्या होगा फेनिल एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन, क्या होगा फेनिल एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन या एस्टरडिहाइड फेनिल हाइड्राजोन भी कह सकते हैं, एस्टरडिहाइड फेनिल हाइड्राजोन कह सकते हैं ठीक है। एस्टरडिहाइड फेनिल हाइड्राजोन ये क्या है एस्टरडिहाइड हाइड्राजोन, ये क्या है एस्टरडिहाइड ऑक्सीजन ओके एस्टरडॉक्सीन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके तीन रिएक्शंस है ये एस्टरडिहाइड इसी क्रम में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ और फेनिल हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको भी कॉपी कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंतर्गत ये भी आते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट की बात कर लेते हैं कि एस्टरडिहाइड का टेस्ट क्या है ठीक है, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ क्या करेंगे और फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शंस क्या करते हैं। तो ध्यान देना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि जो टॉलरेंट रिएजेंट्स होते हैं टॉलरेंट क्या हो जो फेलिंग विकल्प होता है, पहले आप जान लें कि टॉलरेंट क्या है और फेलिंग क्या है। फेलिंग अभिकर्मक और टॉलरेंट अभिकर्मक ठीक है। फेलिंग अभिकर्मक और टॉलरेंट अभिकर्मक, जो फेलिंग अभिकर्मक होता है वो क्या होता है क्योंकि ऑक्साइड होता है, जो टॉलरेंट अभिकर्मक होता है वो क्या होता है सिल्वर ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे टेस्ट की भी बात कर लेते हैं
तो जो टेस्ट जो एस्टेडियाइड टेस्ट देता है वही टेस्ट हमारा फॉर्मल्डिहाइड भी वही टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस एस्टेडियाइड का रिएक्शन हम इनके साथ करवाते हैं, किसके साथ, ट्वेलिंग वेलिंग के साथ कराते हैं, तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये किस में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल और शेप में प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे ध्यान दें, CH3CHO का रिएक्शन हम करवाते हैं CuO के साथ करवाते हैं, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में। कैसा, लाल रंग, ये लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड में और प्लस क्या CH3COOH। तो यहाँ पे कितने CU हैं, दो CU हैं, हमने यहाँ पे दो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कितने कार्बन हो गए, एक एक दो कार्बन है, दो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन कितना है, दो एक तीन, यहाँ पे दो है तीन ऑक्सीजन, और इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाता है। ये ध्यान देना ये क्या है, टेस्ट का रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, टेस्ट का रिएक्शन है। एस्टेडियाइड का टेस्ट आप कैसे कर पाएंगे, तो हम इस प्रकार से इसका टेस्ट कर ले जाते हैं, ठीक है। तो कहेंगे क्या, एस्टेडियाइड, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट को लाल रंग के क्यूप्रिक सल्फेट में अपचयित कर देता है, ठीक है। और वहीं पे अगर रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, टॉलर अभिकर्मक के साथ, ठीक है। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यानी कि NH4OH और प्लस क्या AgNO3 का जो सोल्यूशन होता है वो टॉलर अभिकर्मक कहलाता है, और इस चीज को शॉर्टकट में हम Ag2O से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन आसान आते हैं, तो CH3CH3CHO का रिएक्शन सब सिल्वर के ऑक्साइड के क्या टॉलर अभिकर्मक से इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर में अवक्षेपित हो जाते हैं, और किस रंग में, काला रंग में, किसमें, काला रंग में सिल्वर में अवक्षेपित हो जाएगा, और शेष क्या आपके दूसरे सिल्वर और प्लस क्या एस्टिक CH3COOH में ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हैं, और एक रिएक्शन और देख लें अगर आप, कि ये रिएक्शन काफ़ी बार आप देखे भी हैं, वो हेलोवेलकेयर में भी आपने वीडियो में देखा है कि जब इस एस्टेडियाइड का रिएक्शन CH3CHO का रिएक्शन आप किसके साथ, क्लोरीन और NaOH के साथ करवाते हैं, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में आ जाते हैं ये, ठीक है। जब इस एस्टेडियाइड का रिएक्शन हम क्लोरीन और NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या घटनाएँ होती हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाता है क्या, CH3CHO और प्लस क्या, प्लस NaOH और प्लस क्या, NaCl और प्लस क्या H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कितने क्लोरीन यहाँ पे तीन, एक तीन और यहाँ लिखते हैं तीन तीन छः क्लोरीन हो जाएंगे, तो यहाँ पे तीन लिख छः क्लोरीन बराबर हो गया, तीन सोडियम में यहाँ पे आपने यहाँ पे तीन लिख दिया, और इस प्रकार से हम देखते हैं तीन ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तीन एक चार ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे, दो ही है, जब यहाँ पे तीन लिख देते हैं और तीन एक चार ऑक्सीजन यहाँ पे से भी बैलेंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि स्टेप और बढ़ा लें यहाँ पे, अगर हम इसी का रिएक्शन क्या करवा लें, अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है तो इस क्लोरल यानी ट्राइक्लोरोएस्टर ले आए, इस क्लोरल को, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरल, क्या नाम है, क्लोरल, और इसे कहते हैं कि ट्राइक्लोरोएस्टर के भी नाम से जानते हैं। इस क्लोरल का रिएक्शन भी हम NaOH के साथ करवाते हैं, इसके साथ NaOH के साथ करवाते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म यानी कि HCl3 और प्लस क्या HCOOCH3 और CHCl3 और क्या HCOOHN। तो यहाँ पे देखें क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे एक दो कार्बन है, एक दो कार्बन है, तीन क्लोरीन है, एक दो हाइड्रोजन है, एक दो हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया, और रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म बनाने का जो मेथड है। तो स्टूडेंट्स गाइस,
और इस प्रकार से हमारा जो एस्टरडिहाइड एल्डिहाइड का जो दूसरा स्पीसीज है एस्टरडिहाइड, सेम टू सेम सारे रिएक्शंस वही जो मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से एस्टरडिहाइड ये पहले अभिकर्मकों को CO2 में अपचयित करता है, उसी प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड भी CO2 को अपचयित करेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे एस्टरडिहाइड टॉलरजेंट को सिल्वर के ब्लैक रंग में प्रेसिपिटेट करता है, अवक्षेपित कर देता है, ठीक है, अपचयित कर देता है, उसी प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड भी यही रिएक्शन दे देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये टॉपिक्स हमारा एस्टरडिहाइड का पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शंस हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही रिएक्शंस आपके कन्वर्जन में बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में एग्जामिनेशन पूछता है कि क्या होता है जब या कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये रिएक्शंस पता होंगे तभी आप कोई काम आगे कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आप लोग मेहनत से इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, इसका साफ साफ नोट्स कॉपी भी तैयार करते चलें, ठीक है, और ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में कीटोन के साथ मिलता हूँ। ओके, अभी एक टॉपिक और इसमें है, ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, चलो इसके बाद आपको पढ़ा देंगे क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं क्या बेंजल एल्डिहाइड। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा C6H5CHO, हमारा अगला टॉपिक C6H5CHO या इस बेंजीन के रिंग के साथ में एक CHO ऐड कर देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजल डिहाइड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेंजल डिहाइड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस बेंजल डिहाइड के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।